तो चलो इस वाले क्वेश्चन को देखो बच्चों, कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो एक बेसिकली एक कार है, और वो कार जो है मूविंग ऑन हॉरिजेंटल कर्व रोड, ठीक है भाई, ये रोड है सीधी है लेकिन यहाँ पे आके कर्व हो गई, और ध्यान रखना ये हॉरिजेंटल रोड है, ठीक है। कर्व मेरे कर्व बोले तो सर्कुलर पाथ हो गया, और ये जो है उसका रेडियस कुछ, ये ऐसे कार आ रही है, ये वाली जो कार है वो ऐसे आ रही है, यहाँ तक आ रही थी, सीधी लाइन में जा रही थी, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही कार यहाँ मुड़ेगी तो मुड़ने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स यार। तो हॉरिजेंटल रोड है, तो यहाँ पर अगर ये गाड़ी इधर मुड़नी चाहती है तो ये जो रेडियस है वो 50 मीटर है, दिस इज द रेडियस ऑफ द कर्व रोड। मैक्सिमम स्पीड कितने से मोड़ सकती है, जबकि यहाँ पर जो म्यू प्रेजेंट है वो कितना है, 0.34। तो अगर म्यू 0.3 है तो मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है। तो तुम देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत आसान है, यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड है जिससे स्कीडिंग ना हो, एक्सीडेंट ना हो, तो आपको फार्मूला याद होगा, मैक्सिमम स्पीड दैट इज म्यू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जी अंडर रूट, ठीक है। अगर इससे स्पीड ज़्यादा होगी तो स्कीडिंग हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, और इससे स्पीड कम है तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आया ये, बहुत आसान है, सेंटर की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन, और यही फ्रिक्शन क्या देगा बोलो, सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है, मतलब mv² / r, ठीक है। और ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू μn, और ये आ जाएगा mv² / r, और μn = mg = mv² / r, यहाँ से v की वैल्यू μrg√, ठीक है, आसान है। तो यहाँ से 0. ये 34, और म्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू यहाँ 50, जी की वैल्यू 10 है, और ये यहाँ से तुम बात करोगे तो ये 2 0, ये 2 0 यहाँ से कट गया, ये वाला कट गया, तो यहाँ से तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 13 मीटर/सेकेंड आ जाएगा, ये मैक्सिमम स्पीड है। अगर इससे ज़्यादा मुड़ेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा।